नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना और ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि हमारे न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुंचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर, उसके बाद आज की वीडियो के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे आज की वीडियो का होमवर्क। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन। देखिए पहला क्या क्वेश्चन था, देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है, तो फ्रेंड्स जीडीपी होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, 2003 में हुई थी कल्पना चावला की मृत्यु, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोलविया की राजधानी कहां पर है पूछा है। बोलविया की राजधानी कहां पर है, तो लापाज है बोलविया की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रीवियस वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन, जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो फ्रेंड्स याद रखना संतूर से है शिव कुमार शर्मा का संबंध, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है, तो गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध जो कि एक महान व्यक्ति है, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह की प्रमुख नेता कौन थे। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, सिंधु एवं कान्हू थे संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स बांसुरी से है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध, सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा होता है शेयर बाजार का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हम हल चलाने के निशान, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए थे। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे हल चलाने के निशान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है। बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है, तो फ्रेंड्स IRDA करता है बीमा क्षेत्र का विनियमन। IRDA क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स बीमा क्षेत्र का विनियमन IRDA द्वारा होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग कराते हैं पंचायत और नगर पालिका का चुनाव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो फ्रेंड्स महान्यायवादी होते हैं, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गॉड इज ग्रेटेस्ट किस प्रदेश का राष्ट्रीय गान है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो अफगानिस्तान का, फ्रेंड्स अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान है गॉड इज ग्रेटेस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एड्स का नामांकन कब हुआ था, 1982 में हुआ था, 1982 में एड्स का नामांकन हुआ था, ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहां पे बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है। डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है,
तो वायरस के कारण होता है डेंगू ज्वर, बी ऑप्शन रहेगा इसके उसमें करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद कौन सा है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो फ्रेंड्स माल्टोज होता है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद, ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको है? मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक है? निम्नलिखित में से कौन एक स्रोत वादक है? तो अमजद अली खान है स्रोत वादक, ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 16 भाग 4, ठीक है ना, आर्टिकल 16 पार्ट 4 के तहत करते हैं सरकारी नौकरी में आरक्षण, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य होता है? भारत की राष्ट्रपति का अधिकार किसके समतुल्य है? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड की शासन शासनाध्यक्ष के समान होता है, समतुल्य होता है, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति का अधिकार इंग्लैंड की शासनाध्यक्ष के समतुल्य होता है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कुनेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? कुनेन औषधि का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो मलेरिया के लिए करते हैं कुनेन औषधि का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? चाय पेड़ की किस भाग से प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स पत्ती से प्राप्त होती है चाय, ठीक है ना, चाय पेड़ की पत्ती से प्राप्त होती है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन कहाँ का निवासी था? बुशमैन कहाँ का निवासी है? तो कालाहारी रेगिस्तान का निवासी है फ्रेंड्स बुशमैन, कालाहारी रेगिस्तान का निवासी है बुशमैन, तो ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र है संतरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आपसे मेरा निवेदन है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और जो लोग यहाँ पर पहली बार आए तो गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कर दिया है, रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था? तो गुलाम वंश से है रजिया बेगम का संबंध, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग किस प्रकार की राशि होती है? आवेग किस प्रकार की राशि है? तो सदिश राशि होती है फ्रेंड्स आवेग, सदिश राशि है आवेग, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब किया गया? गांधी इरविन समझौता कब किया गया था? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्यान रखना झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी में, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई थी? तो ध्यान रखना 1925 में, 1925 में चलाई गई थी पहली विद्युत रेल, ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे एस राधाकृष्ण, एस राधाकृष्ण थे फ्रेंड्स भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है? विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता पूछा गया है, तो बताना 26 डिग्री सेल्सियस होता है, 26 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स विषुवत वृत्त पर वार्षिक औसत तापमान, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। तो फ्रेंड्स जीते हमारे वीडियो के आज के क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं, अभी करते हैं आज की वीडियो को हमारे देखिए पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है सोमपेन से कहाँ की निवासी हैं, सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है, झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है, श्रीनगर किस नदी की तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन देखिए वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन और होमवर्क जो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर भी आप लोग आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप लोग आपको किसी होमवर्क के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो अगले वीडियो में आपको आंसर बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।